व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 21 सितंबर से हमारे स्कूल खुलने वाले हैं या नहीं। दोस्तों, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने 21 सितंबर डेट रखी थी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि वो अपना डिसीजन बताएं स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड। तो डिसीजंस आ चुके हैं। अब आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, सपोज़ मैं यहाँ से दिल्ली से वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप चाहे गुजरात, हरियाणा, पंजाब कहीं से वीडियो देख रहे हो, तो सभी को ये जानना है कि क्या मेरे स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। वो सभी मैं डिसीजन आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या न्यूज़ के मतलब कहाँ कहाँ स्कूल खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले। उससे पहले दोस्तों एक न्यूज़ और दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको बहुत खुश कर देगी। उस न्यूज़ को सुन के बता रहा हूँ, आपको बहुत खुशी होने वाली है, इसलिए एंड तक आना। वो भी बाद में रिवील करूँगा उस न्यूज़ को, ठीक है दोस्तों। और एक बात और कि जिस हिसाब से भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली 96,000 प्लस केसेस आ रहे हैं, तो गाइज अगर देखा जाए तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से भारत की कंडीशन है, और फैक्ट गाइज ये है कि पूरे वर्ल्ड में 1/3 केस अब इंडिया में आ रहे हैं। और अभी ये पता नहीं कि ये जो है इसकी पीक स्टेज है, ठीक है, कि यानी कि ये अपनी पीक पर पहुंच चुका है, ये पता नहीं कल 1,00,000 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए। तो गाइज अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको मुद्दे पर आते हैं, बहुत हो गई इधर से उधर की बातें, अब देखते हैं क्या न्यूज़ है। ठीक, इसके लिए मैं आपको मैं अपनी फ़ोन पर न्यूज़ दिखाऊँगा, आपको साइड में स्क्रीन पर दिखती जाएगी, ठीक। देखो तो आइए दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टाइम्स नाउ के अखबार आपको दिख रहा है, timesnow.com, ठीक है, बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है स्कूल्स रीओपनिंग फ्रॉम सितंबर 21, चेक स्टेट वाइज न्यूज़। ठीक है, हम स्टेट वाइज न्यूज़ देखेंगे क्या न्यूज़ होने वाली है। आपको साइड में स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा आराम से। यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आपको देखो स्टेट वाइज दिख रहा होगा, स्टेट कंट्रीज और स्कूल रीओपन स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो गुजरात का दिख रहा होगा नंबर फर्स्ट पे। गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड्स अगेंस्ट रीओपनिंग स्कूल्स फ्रॉम सितंबर 21, यानी कि गुजरात में जो है वो स्कूल्स 21 सितंबर से तो नहीं खुलने वाले। ठीक, अगर आप गुजरात से वीडियो देख रहे हैं तो भैया स्कूल नहीं खुल रहे, ऑनलाइन क्लास ही, ऑनलाइन आपको अपनी क्लासेस लेनी है। यूपी की बात करें तो यूपी स्कूल रीओपनिंग न्यूज़ में देखो, स्कूल्स में रिमेन क्लोज दिस मंथ, यानी कि सितंबर तक यूपी में स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं, जो डिप्टी सीएम का यहाँ पर ऑर्डर आया है। तो अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में गए हैं कि हरियाणा अलाउ स्टूडेंट्स टू विजिट स्कूल्स फ्रॉम सितंबर 21 टीचर्स टू गेट COVID-19 टेस्ट। यानी कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर दिया है 21 सितंबर से स्कूल खुलना, ठीक, टीचर्स जो है उनका कोविड टेस्ट होगा, स्टूडेंट्स का भी। आइए केरला की बात करें तो केरला स्कूल रीओपनिंग न्यूज़ में है कि नो स्कूल्स इन सेप्टेम्बर अक्टूबर से सीएम पिनराई विजयन, ठीक है। तो यानी कि सेप्टेम्बर अक्टूबर में अगर आप केरला से हैं तो वहाँ पर सेप्टेम्बर और अक्टूबर में स्कूल्स नहीं खुलने वाले, ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी कंटिन्यू रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो पार्शियल रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फ्रॉम सेप्टेम्बर 21 डेफर्ड इन उत्तराखंड टू रिमेन क्लोज्ड टिल सेप्टेम्बर 30। यानी कि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी पार्शियल तरीके से खुलेंगे स्कूल्स जो है सितंबर 21 से, ठीक, और 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की गवर्नमेंट जो है उन्होंने सीधा गया, यानी कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार, डायरेक्ट स्कूल टू रिमेन क्लोज टिल अक्टूबर 5, यानी कि ऑनलाइन क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी 5 अक्टूबर तक। अभी आपकी कोई भी क्लासेस यानी कि स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं तो ऑनलाइन क्लास चलने वाली है। J&K की बात करें, स्कूल्स टू रीओपन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम सितंबर 21, डिसीजन फॉर गो ऑन अक्टूबर 2। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर 21 से खुलने वाले हैं स्कूल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो स्कूल्स टू रीओपन फॉर क्लास 9 to 12, सिर्फ 9 से 12 तक आंध्र प्रदेश के स्कूल खुलने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अपडेट्स आने अभी बाकी हैं वहाँ के। असम की बात करें तो असम स्कूल्स रीओपनिंग फ्रॉम सितंबर 21, गवर्नमेंट रिलीजेस गाइडलाइंस एंड SOPs, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें गाइडलाइंस रिलीज़ कर दिया स्कूल्स रीओपनिंग से रिलेटेड।
और बिहार के अभी आने बाकी हैं अपडेट, छत्तीसगढ़ के भी। गोवा की बात करें तो गोवा की भी सेम है, गोवा का जो है वो अक्टूबर 2 से स्कूल खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश के अपडेट्स अवेटेड हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट आता है कर्नाटक स्कूल रीओपनिंग, स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटी स्कूल सेट टू रीओपन फ्रॉम सेप्टेम्बर 21। कर्नाटका में भी सेप्टेम्बर 21 से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुलने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी पार्शियली खुलेंगे, बाकी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनके अपडेट्स आने बाकी हैं। पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस शट टिल अक्टूबर, यानी कि पंजाब में अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलने वाले हैं। तमिलनाडु की बात करें तो नो स्टैगर्ड क्लासेस टू बी कंडक्टेड आफ्टर स्कूल्स रीओपन, अभी वहाँ पर स्कूल जो हैं वो रीओपन नहीं हो रहे हैं जब स्कूल। उसके बाद तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के अपडेट्स आने बाकी हैं। और गाइस ये तो थी इसकी न्यूज़, अब बात करते हैं हम सेकंड न्यूज़ की, जो कि है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या वो न्यूज़ है। गाइस आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगी एक न्यूज़, उसको आपको देख के पढ़ना होगा और आपको पढ़ते ही खुशी फील होगी। गाइस दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं ठीक, वो वीकर इकोनॉमिकली वीक हैं वो ठीक। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, मेनली आपके पास फ़ोन होना चाहिए, अच्छा ठीक स्मार्टफोन होना चाहिए और गैजेट्स चाहिए होते हैं, तो उसी चीज़ से आप तो ऑनलाइन क्लास लोगे। अब जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हैं उनके पास ये गैजेट्स नहीं है, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जिनके पास गैजेट्स नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, आई थिंक आपको जिनके पास नहीं है उनको खुशी हो जाना चाहिए क्योंकि आप वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। गाइज यही थी सारी न्यूज़, और जहाँ तक अभी मेरे को लग रहा है अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मुझे नहीं लगता इसके स्कूल कि स्कूल्स खुलेंगे दिल्ली में भी, और आई थिंक जहाँ पर केसेस बहुत बढ़ चुके हैं वहाँ नहीं खुलने वाले। तो इसीलिए अपना फोकस रहिए, ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस करें ठीक। अगर आपको ऑनलाइन से कुछ डाउट समझ नहीं आता, मतलब कोई डाउट रह जाता है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने डाउट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी स्कूल से रिलेटेड तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक सेहत का ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।